कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी एक बार फिर अपने ट्वीट को लेकर निशाने पर आ गए हैं। राहुल गांधी द्वारा जलियांवाला बाग के रेनोवेशन पर किए ट्वीट से पंजाब की सियासत गरमा गई है। यहां तक कि पंजाब की उनकी पार्टी कांग्रेस सरकार के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने इससे असहमति जताई है और इस मामले पर कैप्टन का स्टैंड राहुल गांधी से बिल्कुल उल्टा है। कैप्टन अमरिंदर ने कहा है कि जलियांवाला बाग के रेनोवेशन में कुछ भी गलत नहीं है। पंजाब भाजपा के पूर्व अध्यक्ष और राज्यसभा सदस्य श्वेत मलिक ने राहुल गांधी पर निशाना साधा है और कहा कि कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष को इतिहास का ज्ञान नहीं है। आपको बता दें कि दो दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल तौर पर जलियांवाला बाग का नवीनीकरण के बाद उद्घाटन किया गया। इसमें मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह भी शामिल थे। राहुल गांधी ने इस रेनोवेशन के खिलाफ आज ट्वीट किया और कहा, जलियांवाला बाग के शहीदों का ऐसा अपमान वही कर सकता है जो शहादत का मतलब नहीं जानता। मैं एक शहीद का बेटा हूँ, शहीदों का अपमान किसी कीमत पर सहन नहीं करूँगा। हम इस अभद्रता कुर्ता के खिलाफ हैं। आपको बता दें, सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने जलियांवाला बाग रेनोवेशन पर राहुल गांधी के इस ट्वीट के में कहा, मैं उद्घाटन के समय पीएम के कार्यक्रम में था, मुझे तो रेनोवेशन में कुछ भी गलत नज़र नहीं आता। जलियांवाला बाग रेनोवेशन के बाद मेरे हिसाब से बहुत बढ़िया हो गया है। उन्होंने कहा कि वक्त के साथ जो इमारतें कमज़ोर हो गई थी और दरारें पड़ गई थी, उनको दुरुस्त करना ज़रूरी था।